अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मेनाज एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब खैर से होंगे, मजे में होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। मैं जा रही हूँ मुंबई। मुंबई में कुछ दो चार काम हैं। एक सबसे पहले तो अम्मा का साड़ी पे ब्लाउज पीस लेना है, और अगर ब्लाउज पीस मिल जाता है तो फिर टेलर से काम है। और अरमान को कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, क्योंकि उसका भी 11th 12th हो चुका है, और 11th 12th में कॉलेज का यूनिफॉर्म था, तो अब यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए उसे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो इस करके उसे भी साथ ले रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे काम बनते हैं। घर से रिक्शा स्टेशन तक और स्टेशन से लोकल ट्रेन। 12:30 का वक्त हो रहा था, बहुत तेज़ धूप थी। तो अभी हम लोग सैंडल्स रोड पहुँच गए हैं। अभी तक बोर्ड चेंज नहीं किया, उसका नाम चेंज हो गया था ना, डोंगरी स्टेशन ऐसा कुछ हो गया था ना, चेंज नहीं किया अभी तक। यहाँ स्टेशन के पास सबसे ज़रूरी था उसाचा रस पीना, तो हमने गन्ने का जूस पी लिया, और पीते ही इतना अच्छा, इतना फ्रेश लगा कि पसीना ही गायब हो गया। फिर हम गए गार्डन मैचिंग सेंटर। ये बिल्कुल ऑपोजिट है डोंगरी फिश मार्केट के, और जब हम यहाँ पे रहते थे तब से यहीं से लेते हैं साड़ी के ब्लाउज पीस, लेकिन जो हमें शेड चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब क्या, तो वहाँ से टैक्सी किए और सीधा पहुँचे मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद से होते हुए क्रॉफर्ड मार्केट। वहाँ फाइनली अरमान को एक जीन्स पसंद आई और साथ में टी शर्ट ले लिया। जून का आखिरी हफ्ता है और कड़कती धूप है, अच्छी वाली बारिश अब शुरू हो जाना चाहिए। तो वहाँ बादशाह कोल्ड ड्रिंक एंड स्नैक्स बहुत ही फेमस है, और हम घर से खाना खा के नहीं निकले थे, तो भूख और धूप दोनों बहुत लग रही थी, तो सोचा यहाँ प्रॉपर प्लेस पे बैठ के कुछ खा लेते हैं। तो ऑर्डर किया एक क्लब सैंडविच, एक बटर स्कॉच फालूदा और फ्रेश लाइम जूस। अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ। जब मैं मार्केट में थी तो वहाँ पे मुझे मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड का फ़ोन आया। वो एक्चुअली मुंबई आई हुई है, और मुझे कहा था कि मैं मिलूँगी ज़रूर, और लेकिन कब मिलूँगी ये नहीं पता आया था। लेकिन फिर मार्केट में जब हम खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के, तो वहाँ पर कॉल आया और कहा कि मैं मिलने आ रही हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक रुकूँगी नहीं। तो वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और बहुत सालों के बाद मिल रही है, तो इस करके हम वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुके नहीं और मैं घर पे आ गई। तो मुझे ऐसा था कि वो आएगी तो ज़रूर, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन सुबह में ही करके रखी थी, और चलो देखते हैं कि अभी हम उसके लिए क्या क्या बना सकते हैं। खाने पे तो वो नहीं रुकेगी, क्योंकि कहा था कि खाना नहीं खा सकूंगी क्योंकि उसकी फ्लाइट है, जल्दी जाएगी। उसने कहा था कि चाय साथ में पियेंगे, तो चाय के साथ कुछ कबाब या कुछ पेटिस या फिर समोसे तो बना ही रही हूँ मैं, पेटिस देख लेती हूँ, बना लेती हूँ मैं। तो चलिए थोड़े बहुत तैयारी कर लेते हैं। मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखा था समोसे के लिए। इसमें वेजिटेबल्स है, कैबेज है, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और कोथमीर काट के डाला है। इसमें ओरिगेनो डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर, और पेरी पेरी मसाला डाला है। अगर पेरी पेरी मसाला डालते हैं तो किसी और स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है, ज़्यादा मैंने स्पाइसेस इसमें नहीं डाला है, और साथ में नमक डाला है। और ये मैंने रेडी किया है स्लरी मैदे की। तो चलिए बनाते हैं समोसे। मुझे नहीं पता कि समोसे के शीट्स कितने हैं, स्प्रिंग रोल के शीट्स है, तो देखते हैं क्या कितना बनता है। चलो जल्दी जल्दी बनाती हूँ मैं। Thank you.
समोसे के शीट्स कम थे तो स्प्रिंग रोल के शीट्स को इक्वली कट करके समोसे तैयार कर दिए हैं और साथ में कटलेट बना लिए हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी में बनाया है। शेप पे मत जाना, इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि शेप बराबर नहीं है। चलो जल्दी जल्दी इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई और फ्राई पैन में पहले ही तेल गर्म करने रख दिया ताकि झटपट काम ख़त्म हो और मेहमान के साथ बैठ के गप्पे मारे। इस बात पे गौर करना, कभी कभी बहुत ही जल्दी जल्दी में कुछ बनाते हो तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनता है, और ऐसा ही कटलेट के साथ हुआ, बहुत ही टेस्टी बने थे। माशाल्लाह, समोसे और कटलेट के साथ साथ पिज़्ज़ा, क्रैकर्स और कुछ कुकीज़ भी सर्व किया। बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बातों में इतने मशगूल हो चुके कि कुछ शूट ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं रहा। जाहिर सी बात है, इतने सालों बाद कोई मिलता है तो बहुत कुछ कहना सुनना होता है ना? ये देखो, मेहमान अभी जा चुके हैं और जाते के साथ जो भी मेहमानों को दिया जाता है वो किस तरह से ये लोग टूट पड़ते हैं, जरा देख लो। तो मैं व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो आपने देखा कि कैसे ये लोग इंतजार करते कि मेहमान जाए और मेहमानों को जो भी दिया जाता है तो हम उसके ऊपर टूट पड़े। ऐसा किस किस के घर में होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।